उम्र से पहले फेस पे झाइयाँ आ गई हैं, फेस ग्लो नहीं कर रहा है, फेस पे डार्क सर्कल हो गए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई किए फिर भी इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। और आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो ओनली आपके लिए है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हेमा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ग्लोइंग फेशियल के बारे में। उसके ओनली 3 स्टेप हैं। अगर आपके फेस पे एक्ने हो गई है और आपके फेस अगर बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है तो ये फेशियल आप कर सकते हो। ये फेशियल करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और आपके फेस पे बहुत ही अच्छी एक चमक आने वाली है। क्योंकि अगर आप अपने फेस के लिए अच्छा ग्लो चाहते हो तो आप इसको वीक में 3 बार नहीं कर सकते हो, तो आप वीक में इसको 2 बार जरूर कीजिए। आपके डार्क स्पॉट को और आपकी झाइयाँ को धीरे धीरे लाइट करेगा और लाइट करने के बाद ये इसको जड़ से रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद आपके फेस पे जो ग्लो आएगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको आपको रेगुलरली करना है। और देर नहीं करते हैं और चलिए मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, अगर कोई भी फेशियल या फेस पैक आप लगाते हो तो उसके पहले अपने चेहरे को जब गुलाब जल से या फिर पानी से अच्छे से क्लीन कर ले। तो मैं अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और आप चाहो तो उसको कॉटन के कपड़े से भी क्लीन कर सकते हो, तो इसको कॉटन से भी क्लीन कर सकते हो। मैं इसको कॉटन से क्लीन कर लिया है। तो उसके बाद हम लेंगे एक बाउल और बाउल में मैं डालूँगी 1 चम्मच, आधा चम्मच दही। आप चाहो तो 1 चम्मच भी ले सकते हो, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। हम करेंगे क्लींजिंग। दही को मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ और मैंने घर का गाढ़ा दही लिया है। आप चाहो तो बाज़ार का भी दही ला सकते हो, लेकिन बाज़ार के दही में जो पानी होता है उसको आप पहले छन्नी से छान लो और उसके बाद उसको आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस की अच्छी तरह क्लींजिंग कर ली है। उसके बाद इसको मैं कॉटन से रिमूव कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा कॉटन लिया है, उसको मैं पानी में डिप करके अपने चेहरे को साफ कर लूँगी। तो मेरा चेहरा पूरा साफ हो गया है। उसके बाद हम लेंगे सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम लेंगे स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा दही, आधा चम्मच कॉफी पाउडर, तो मैंने आधा चम्मच कॉफी पाउडर ले लिया है और इसको मैं दही में डाल के अच्छे से इसको मैश कर दूंगी। तो मैश करने के बाद अब हम इसको अप्लाई करेंगे। मैंने इसको पूरे चेहरे पे लगा लिया है। अब मैं इसको दोनों हाथ से अपने चेहरे पर स्क्रब करूंगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर आप अपने इस चेहरे पे स्क्रब करते हो तो ध्यान रहे आप इसको अब हल्के हल्के हाथों से कीजिए, ताकि स्क्रब करने के बाद आपके चेहरे पर रेड रैशेस ना हो जाएं। अगर हम स्क्रब करते हैं और चेहरे को अच्छे से स्क्रब करते हैं पूरे घिस के, तो उसके बाद हमारे फेस पे रेड रैशेस हो जाते हैं। तो आप जब भी स्क्रब करें तो हल्के हाथों से स्क्रब कीजिए। तो देखिए, मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करने के बाद अब बारी आती है 3rd स्टेप की। तो चलिए हम 3rd स्टेप बना लेते हैं। तो 3rd स्टेप बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल। बाउल में मैं डालूँगी आधा चम्मच दही और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल आप चाहो तो 1 या 1.5 चम्मच ले सकते हो। जब तक आपका पेस्ट नहीं बन जाता है आप उस हिसाब से गुलाब जल डाल सकते हो। उसके बाद मैं अच्छे से इसको मैश कर लूँगी और देखिए हमारा फेस पैक बनके रेडी हो गया है। मैं इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपके फेस को
मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती है तो आप इसको स्किप करके आप इसकी जगह पर बेसन भी ले सकते हो। और अगर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी इस वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा पैक अच्छे से लग गया है, अब हम इसको सूखने के लिए 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने फेस को वॉश कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। आपको मेरा पहले वाला फेस दिखा होगा आपने, और अभी का फेस देखिए। फेशियल करने के बाद मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है, और मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और एक अलग ही नेचुरली ग्लो मेरे फेस पे दिखाई दे रहा है। को वॉश करने के बाद आप अपने चेहरे को ऐसे मत छोड़िए। मैं अपने चेहरे को धूल या मिट्टी से दूर रखने के लिए मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी एलोवेरा जेल। 2 बूंद मैं एलोवेरा जेल की लूंगी, उसमें 2-3 बूंद मैं गुलाब जल की डालूंगी, और मैं दोनों को अच्छे से अपने हाथों से मैश करके उसके बाद अपने चेहरे पे अप्लाई करूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।